भैया 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 शिवानी चलो वो अपने को बोलती रहती है मेरे को बात बताओ सिद्धू जी मिलते रहते हैं आपको आईपीएल में जब चलता है मैच वगैरह हाँ? शेर वेर बोला हाँ? वो बोलते हैं आपके लिए हमेशा अच्छा सिद्धू जी आप मुझे थोड़ा सा सिखा देंगी ना डांस वांस ये वो वापस अभी तुम आदमी बन के आई थी जब तुम नाच कौन आया था तुम्हारा भाई नहीं आता एक आई डोंट नो हिम सरला तुम्हें सूट ही नहीं करता सरला मेरी बीच में हंसी निकल जाए तो मुझे रोक देना हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो आजकल देखो हर दूसरे दिन फिल्म आ रही है इसलिए मैं राइटर बन गया मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखी है क्योंकि कहानियों का क्या कहानियां यूं बनती हैं हम देख लो कहानी बना रहे सिद्धू साहब सरकार बना के निकल गए और क्या अच्छा मैंने एक कहानी लिखी थी थोड़े दिन पहले मैं लिखा है दीवार पे चार दिन बाद गया तो सारी कहानी गिली हुई पड़ी थी इतने बेवकूफ लोग हैं हमारे यहाँ इतने सेलिब्रिटी आते हैं मैं अपनी कहानी उनको सुनाऊंगा और ये फिल्म बनाऊंगा मानना पड़ेगा कपूर शर्मा अब तक जो आदमी सिर्फ बातें बनाता था अब कहानियां भी बनाने लगा है हाँ तो बनानी आती तो बना रहा हूँ ना तुझे कुछ आता है हाँ मुझे खाना बनाना आता है और मुझे बनाना खाना भी आता है ये ऐसे नहीं मानेगी इसके बारे में बताता हूँ मेट्रो का दरवाजा आपको पता दाई तरफ खुलता है ये उस दिन मेट्रो में बैठी मेट्रो का दरवाजा नीचे की तरफ खुल गया हाँ भी नहीं ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है अभी काम कीजिए ना आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए ना हो सकता है एक आध रोल आप मुझे भी दे दे तेरे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तेरे डी में विटामिन की कमी है और तुझे वो गेंडू भी हुआ है गेंडू कौन सी बीमारी होती है डेंगू है तेरे को उल्टी साइड से हुआ है अपनी कब्ज दिखा कब्ज नहीं नब्ज होती है जो तुझे है वही बोलूंगा ना मैं चल ठीक है मेरी फिल्म में एक तेरा भी रोल होगा हाँ देखा मुझे किसी ने एक्चुअली कहा था कि मैं और शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग करने के लिए ही बने हैं तेरी एक चीज यूज कर लूँ कुछ कहेगी तो नहीं कीजिए क्या वाह तो क्या 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 रोल होगा मेरा फिल्म में सारी कहानी तेरे ऊपर लिखी जाएगी और बोल सच हाँ पूरी कहानी मेरे ऊपर हाँ तेरे ऊपर हम पेपर बचाएंगे अब मैं अपनी चीज वापस लेना चाहूंगी खैर मैं तो सच में कह रही हूं आप बताइए आप मुझे रोल दे रहे हैं कि मैं आपको बद्दुआ दे दूं बताइए आ रही है बद्दुआ देखो बम्पर मेरी फिल्म में तुम्हारे लिए रोल है नहीं पर जैसे तुम ऐसे शो में कभी भी घुस जाती हो ना ऐसे फिल्म में अच्छा सा इंटरवल देख के घुस जाना ये बात आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी मैं इसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड हूँ यदि कैमरा खुला देखूंगी ना घुस जाऊंगी आते हो मैं आपको एक बात बताऊं मैं फिल्म बेच चुका हूं एक्चुअली अब तो कोई हीरोइन फंस जाए ना तो मैं फिल्म डायरेक्ट करके बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाऊं मैं कपू मुबारक हो कपू मैंने सुना तुम राइटर बन गए मैंने सुना तुम दूसरों की बातें सुनती रहो अपना काम किया करो जाके अरे काम से तो आई हूं मैं चाहती हूं कि तुम अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन लो हीरोइन तुम्हें बाद में लूंगा तू पहले ना अपने आप को थोड़ा यहां तक ले बाद में तुझे हीरोइन लेने की सोचेंगे हीरोइन लेना है देखो हीरोइन हाइट से नहीं टैलेंट से बनती है और टैलेंट तो मुझे कूट कूट के भरा है टैलेंट वाली बात चल झूठी हाँ कूटा तो इसको बचपन में टीचरों ने बढ़ाया सारे लड़के मुर्गे बनते थे अकेली लड़की थी जो मुर्गी बनती थी तुम चाहते नहीं कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं मैं तो चाहता हूं तुम आगे बढ़ो आओ इधर आगे बढ़ो इधर निकलो फटाफट उधर निकलो आगे बढ़ो आगे जाती दिमाग खाने मैं हीरोइन क्यों नहीं बन सकती क्या कमी है मुझमें चलो मान लो तुझमें कोई कमी नहीं है
कोई खूबी तो हो लेकिन। अरे लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं? बट ठीक, अब तुम बोल रहे हो तो मैं कर देती हूँ। वो क्या है ना पाजी, जब मैं पूरी तैयार हो जाती हूँ ना अच्छे से, तो पूरी आलिया जैसे लगती हूँ। आलिया पूरा बोला नहीं, आलिया का भट्ट खाई गई तू। तेरे साथ फिल्म करने से अच्छा मैं ऑटो रिक्शा करूं और घर चला जाऊं। कपूर तुम्हें अभी मेरे चैलेंज का पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बात पे एक शेर अर्ज है, इरशाद। वाह। शेर ही होता है किंग, मेंढक कभी राजा नहीं होता। शेर ही होता है किंग, मेंढक कभी राजा नहीं होता। समुंदर में उतर के देखो, किनारे से गहराई का अंदाजा नहीं होता। इतने बड़े मिनिस्टर के सामने ऐसा घटिया शेर बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लोगों को काले पानी की सजा होती ना, जाओ तुम्हें गंदे पानी की सजा। कपूर तुम समझ नहीं रहे यार, तुम अगर मेरी एक्टिंग टैलेंट की स्किल देखोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं फ्यूचर की सुपरस्टार हूं। है तो वैसे बंपर की चीज लेकिन। चलो बताओ टैलेंट दिखा दो फिर थोड़ा सा। दिखा दूं? दिखाओ प्लीज। थोड़ा लाइट डिम करो प्लीज। लाइट? हाँ थोड़ा सा डिम, लाइट डिम करिएगा, लाइट थोड़ी, क्या टैलेंट दिखा रही है। और डिम करिए, थोड़ा सा और डिम, और थोड़ा और अंधेरा कर दो। हाँ थोड़ा सा और डिम। हाँ थोड़ा सा और डिम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अरे तो शो क्यों बंद कर रहे हो यार? शो तू तू रोमांटिक डाल बोल के तू बंद कराए, इससे अच्छा मैं बंद कर देता हूँ ना। अरे यार क्या बकवास है, नहीं इतना मूड लाइटिंग काफी है। अपने आस पास सफाई रखे। ये तू क्या कर रही, तू बंद कराने में तुली हुई, तू हट, ये क्या कर रही है? कपूर देखो हर बात में मजाक अच्छा नहीं है। चैनल बोलता है हर बात में मजाक होना चाहिए, तेरे को क्या पता क्या डील हुई है। चल ठीक है डायलॉग सुना दे फिर को ये। किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो। यार अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तुझे ना किसी लड़के से मिलने के लिए साजिश ही करनी पड़ेगी, तुम्हारा तो अपने आप में कोई नहीं मानेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। अच्छा लेकिन ये बहुत टैलेंटेड, मैं आपको बताता हूँ पाजी। हाँ। ये इतनी टैलेंटेड है ना, ये एक्चुअली इसको आपको पता है, ये सड़क बनाते हैं ना जो लोग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का काम देते हैं इसको। क्या? ऐसे होठ पे ना, ऊपर वाले होठ पे व्हाइट, नीचे वाले ब्लैक, ऐसे ब्रुच करके मारती है, ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग डाल देती है सड़क पे। पाजी आपको पता है एक दिन तो इसको हाईवे पे काम मिल गया, बड़ी वाली सड़क, तो इसने पेंट का डिब्बा लिया, इसने पानीपत से लेके गोरखपुर तक की सड़क बनाई है। अच्छा मैं और इसके टैलेंट बताता हूँ। ऑफ कोर्स प्लीज। आपको पता है लड़कियां जो आम बंदा ड्राइविंग करता है, दाएं मुड़ना हो तो आप दाएं हाथ देते हो, बाएं मुड़ना तो बाएं, ये गाड़ी चलाती है इसको दाएं मुड़ना, मैं कहा एक बार मेरे साथ जा रही थी, मैं कहा दाएं मुड़ करती। क्या? फिर मैंने कहा बाएं मुड़ो, कहती गाड़ी तेरे को मुड़ दी, मैंने कहा सीधा जाओ, कहती मजा तो तब आया जब एक जगह पार्किंग करनी थी, मैंने कहा रिवर्स कर करती। हाथ क्यों नहीं यूज करती? ठीक है कपूर शर्मा, मैं हीरोइन नहीं बन सकती ना, जाने दो। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हीरोइन बनाओगे तो मैं हॉस्पिटल बेच के तुम्हारी फिल्म प्रोड्यूस कर दूंगी, पर वो मेरी बात सुन, जो बात सबसे पहले कहनी चाहिए थी सबसे लास्ट में कह रही है, तेरी प्रॉब्लम ही यही है। लेकिन मेरी हाइट कम है ना, तो हाइट से क्या होता है, टैलेंट होना चाहिए। नहीं? लेकिन तुमने कहा कि मेरे होंठ भी बड़े तो टैलेंट होंठ, यू नो। देखो जो सच है वो है। देखो फिल्म चाहे रह जाए, झूठ नहीं बोलूंगा मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, क्या है, तुम मेरे छोड़ के जा रही हो? सरला मेरी आंखों में देखो, इधर आओ सरला, तुम्हारे इधर कुछ लगा है। सच कहो, मैं तुमसे रोमांस करने जा रहा हूँ। क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी बीच में हंसी निकल जाए तो मुझे रोक देना। सरला कह दो कि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तुम्हें कुछ नहीं होता है। मैं कितना दिल से रोमांस कर रहा था। कपूर यार स्टेप्स नहीं आते मेरे को, मैं कहता हूं मेरे साथ रोमांस वे वाला कर लिया करो, ऐसे गाना गा के तुम हर बार रोमांस होता है। ये किस अंग्रेज ने बनाया ऐसे कमर पकड़ के, पता नहीं चलता अपनी टांगे कहां जा रही है तुम्हारी कहां जा रही है, फंसेंगे तो क्या सारा। यार तुम क्यों रुके, हम उठने वाले थे। चलो तो
तुम इतना रोमांस कर ही रहे हो तो शादी कर लेते हैं। पहले फिल्म कर लेते हैं। तुम एक काम करो, तुम जाके हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लेता हूँ, ठीक है? पक्का? पक्का। तो मतलब मैं तुम्हारी फिल्म की हीरोइन? हाँ। मैंने एक्चुअली कुछ फिल्म स्टार्स बुलाए हैं स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, वो आते ही होंगे। देवियों सज्जनों बहुत बहुत नमस्कार, लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। अरे आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं। सही जवाब, पहला ही सही जवाब। सही जवाब। देखिए हम यहाँ पर आए शूटिंग के लिए। अच्छा, आप अपनी कहानी सुनिए। क्या बताऊं सर, कहानी बहुत दुख भरी है। मैं काम भी बहुत करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, पैसे आते नहीं है, आते तो चले जाते, रुकते नहीं कुछ। देखिए 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 भाई साहब, आप अपनी कहानी नहीं, वो कहानी सुनाएं जो जिस पर आपको फिल्म बनानी। अच्छा, वो कहानी? हाँ जी। कहानी एक ऐसे हीरो की है जी, डरिए मत। हाँ। कहानी एक ऐसे हीरो की है, हीरो जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाता है। अच्छा। आए, 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 आए। मैं तो मैं भूल जाऊं ये कभी और नहीं सकता। और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं और नहीं दूंगा। आप ये बात अभी तक नहीं भूले? एक्सक्यूज मी, मैं अपना डायलॉग कभी नहीं भूलता, अच्छी तरह से याद करता हूँ। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव पर कभी संदेह नहीं करते। अरे भैया वाह, आपसे मिलकर पता नहीं क्या हुआ। आई एम नॉट श्योर। आपको भी देखकर मुझे हाय उकू हाय उकू हाय उकू हो रहा, और आपको देख के मुझे जुम्मा चुम्मा हुआ। hey, चुम्मा, hey, hey! Hey! ना कजरे की दाद ना मोतियों की हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बटी बटी कटी कटी से भीगो चुनर वाली। आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी, लेकिन ये तो कोई गाना नहीं है। तो यहाँ अंताक्षरी भी नहीं चल रही है। एक सेकंड भाई साहब, आप हमें फिल्म की कहानी तुरंत के तुरंत बताइए, क्योंकि मुझे तेल के विज्ञापन के लिए भी जाना। क्या मजाक है ये, आप तो नकली हैं, आप कौन सा तेल बेचने जा रहे हैं? देखिए स्टोरी ऐसी है कि लंदन के एक म्यूजियम में हीरा रखा हुआ है, आप दोनों ने जाना है, आप दोनों ने चोरी करनी है। जी एक्चुअली में ये स्टोरी है या प्लान है? देखिए था तो ये प्लान, लेकिन हमसे हो नहीं पाया तो हमने कहानी बना दी। आपको अच्छी नहीं लगी कहानी? बकवास है। तो ठीक है अमित जी, आप हीरो। चली चली फिर चली 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 इश्क दी हवा चली। नहीं नहीं नहीं, आवाज जोकिंग बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग सुपर। आगे क्या है? तो फिर उस हीरे को चुराने के लिए आपको लंदन जाना है जी। आप लोग ट्रेन से निकलते हैं, आधे घंटे में आप लंदन। एक सेकंड ये बताइए देवियों सज्जनों साहब, ये कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें हम आधे घंटे में लंदन पहुंच रहे हैं, जबकि जबकि कोई भी आदमी बाजार से आधे घंटे में मंजन नहीं ला सकता। अब मुझे ऐसा बोल रहे हैं? अब है कौन, खुल तो क्या समझते हैं आप? आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है और माँ भी है। क्या करूं? मेरे पास सबसे बड़ी माँ है, ये धरती मेरी माँ। क्या हो रहा है ये सब? देखिए भैया, आप हमें अपनी कहानी के बारे में बताइए, आपने तो हमें उलझा के रख दिया। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रेन है जो आधे घंटे में आपको लंदन पहुंचा रही? सेट हमने लंदन में नहीं लगाया जी, सेट हमने लुधियाना में लगाया हुआ है। क्या क्या क्या, ये क्या मजाक है? लुधियाना में लंदन कहां से आ गया? क्यों, वहां के लोग इधर नहीं आ सकते हैं तो उनका सेट इधर क्यों नहीं लग सकता है? कहानी सुन लीजिए, आप जा रहे हो, पहुंचने वाले हो, उससे पहले एक गुंडा आप दोनों की किडनैपिंग कर लेता है। तो इसको सुना रहा है कहानी? 10-10 गुंडों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और वैसे भी यहां पर दो दो हीरो खड़े हैं, गुंडा कैसे किडनैप कर सकता है? कैंसर देखिए, पूरी कहानी आप सुन नहीं रहे हैं। देखिए गाना होता है, गाने के बाद किडनैपर आपको बोलता है कि मैच खेलना पड़ेगा, नहीं खेलोगे तो दुगना लगान भरना पड़ेगा, ऐसे बात होती है। मैच नहीं खेलेंगे तो दुगना लगान। आप जो है ये जो आप कहानी सुना रहे हैं, ये धमकी क्यों दे रहे हैं आप? ये जो आप कहानी सुना रहे हैं इसमें
आमिर खान की फिल्म की बू आ रही है। ये मुझे लगान फिल्म लग रही है। आप भी तो सूर्यवंशम वाले बच्चन साहब लग रहे हैं। सारा दिन सेट मैक्स पे आते रहते हैं। सेट मैक्स छोड़ क्यों नहीं देते? सोनी टीवी पे भी आया करें। देखिए, लेकिन इस कहानी में फिर एक ट्विस्ट है। क्या हो गया भाई? मैच जो है अंग्रेज जीतेंगे। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि हमने अंग्रेजों पे सट्टा लगाया हुआ है। हमने सट्टा लगाया, कई लोगों ने अट्ठा भी लगाया, लेकिन हमने सट्टा लगाया है, ठीक है? और सट्टा जब हम जीत जाएंगे, पैसे आएंगे, फिर उस पैसे से हम फिल्म बनाएंगे। समझ में आ गया? एक सेकंड, कैंसल कर दीजिए। ये आपकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहानी हम खुद लिखेंगे। मजबूरी, हालात इधर भी है उधर भी है, तनाई की एक रात इधर भी है उधर भी है। मैं भी इधर है, मेरे को बता। कब तक यूं ही खामोश रहे हम? कब तक यूं ही सहे हम? हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, मोहब्बत। मैं यहां तू वहां। आओ ना सालो, आओ ना। ऐसा भी सीन डालेंगे उसमें। क्यों नहीं, आप दोनों ने मुझे फिल्म से निकाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझदार को इशारा। आए, अगर मैं निकल गया तो फिल्म में पैसा कौन लगाएगा? पैसा कौन लगाएगा? हॉस्पिटल के खरीदार मिल गए हैं, अब तो फिल्म बनेगी। अच्छा सा हीरो साइन करो, पैसे की कमी नहीं है। अरे देवी और सज्जनों, अमित जी, यस यस, अब आप हमारी हीरोइन बनेंगी। आप सरला, मैं तुम्हारा हीरो बनने को तैयार हूँ, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कपूर, मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। मुझे मेरा हीरो मिल गया, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बोपू बच गया, समय समाप्ति की घोषणा। मैं देख लूंगा आप सबको। देखो, फिल्म से कोई मजाक नहीं होना चाहिए। फिल्म साइनी के कुछ नियम होते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और अब मेरे और कहानी के बीच कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आ गया, मैं आ गया। ऐसा आपको हमें ये धरती मेरी माँ है। वो सब ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये भी ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? और क्या मजाक कर रहा है यार, तू हमें भूल गया? याद, आज से 17 साल पहले हमने हेरा फेरी की थी, भूल गया तू क्या? हेलो भाई साहब, गलत समझ रहे हो आप। मैं साल की 4-4 फिल्म में करता हूँ, हेरा फेरी नहीं करता, ठीक है? अरे बॉलीवुड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। सला, जहाँ तक मैं समझता है बादशाह तो एक पंजाबी सिंगर है। अच्छा, लेकिन शाहरुख तो कहता था कि वो बादशाह है। और तीसरे बादशाह हम। अरे 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 शत्रु भैया, आप यहाँ? अरे 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 बच्चन भैया, आप। शत्रु जी, ये सब ठीक है, लेकिन इस फिल्म को मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म मैं करूंगा। ये फिल्म मैं करूंगा। क्या क्या, ये क्या है यार, तू 4-4 फिल्में करता है एक साल में, 4 साल में एक मुझे तो एक करने दे। वाह वाह वाह, फिल्म तो हो जाएगी, लेकिन फिल्म की कहानी कौन सुनाएगा? अरे जो भी ज्यादा हिट है उसकी बायोपिक बना लेते हैं। तो ठीक है, फिर छेनू के ऊपर फिल्म बनाई जाए। और अगर छेनू आए तो उसका कहना मंगल आया था। अरे मंगल वीकेंड में कैसे आएगा, मंगल तो वीकडेज पे आता है। खामोश। अरे देवी और सज्जनों, एक मिनट, देवी किसका बोला? अरे सज्जनों और शत्रु जी, ये बताइए कि इसमें हीरो कौन होगा? बताओ, ये तो वही कहावत हो गई ना, बगल में छुरी और चिड़िया चुग गई खेत। ओ भाई साहब, ये उल्टी सीधी कहावत कहना बंद करो, मैं यहाँ पे भजिया तलने नहीं आया हूँ। हीरो मैं बनूंगा, मैं काम करूंगा। एक काम करते हैं, यहाँ ये ऐसा है कि टॉस कर लेते हैं। अगर हेड आया तो मैं हीरो। तो ठीक है, अगर तेल आया तो मेरी मालिश कर देना। क्या बोलते? लेकिन कुछ भी हो यार, हीरो को डांस आना चाहिए। हेलो 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 हेलो, अरे बहुत सारे हेलो बिखेर दिए, आपने अपने हिसाब से उठा लेना। माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये जो कर रहे थे, ये बड़ी वाली भैंस का दूध निकाल दे क्या?
तो जैसा ही समझ लो। वैसे सिद्धू जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं निकला गाड़ी लेके, एक मोड़ आया, मैं एक सिग्नल तोड़ आया, वो पुलिस वाले ने देख लिया, उसने चालान काट दिया है। प्लीज मेरी गाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए, क्योंकि मैं किसी की मिन्नत नहीं करता, हाँ मिमिक्री थोड़ी सी कर लेता हूँ। अरे मिमिक्री कर लेते हो तो अच्छे से करो ना। अच्छे से तो कुमार करता है, इसीलिए तो वो अच्छे कुमार है। वैसे बोना अंकल, बोना अंकल, हाय अच्छे, हाय, ये लड़का कौन है? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये वो है जिसे ये भूल जाए ये होने नहीं देता, अगर तुम भी भूल जाओ ये होने नहीं देगा, ये होने ही नहीं देता। इतने सारे हीरो आ गए, हीरोइन किधर है? हीरोइन जहाँ भी हो लेकिन हीरो हम है। बाकी पानी कम है बात में दमन, लेकिन हीरो हम है। अरे हीरो मैं हूँ, हीरो मैं हूँ। हीरोइन का बाजी में तैयार होने के आ गई, यहाँ तो हीरोज की लाइन लग गई। खामोश दही की पकौड़ी। ये क्या जेवरे की ड्रेस उतार के पहन आये, कौन हो तुम? मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ, तो कौन है मेरा हीरो? ये एक्सक्यूज मी, ये हीरोइन है तो सॉरी, मैं माँ का रोल कर लूंगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं भी चूंकि निरूपा राय की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए माँ का रोल हम करेंगे भाई। हेलो, नहीं नहीं, अब जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, इसलिए माँ का रोल मैं भी करूंगा। खामोश, पहले हम माँ बन चुके हैं इसलिए हम बनेंगे, देखो हम करके बताएंगे। लाला लाला भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लाला ओ लाला, लाला ओ लाला, लाला मुझे भी छोड़ दे लाला। ये क्या लगा रखा है ये सब? मैं भी वही जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन किसी का दिल दुखाता है? कौन है आप? इसको मुक्का मार के इसका मुंह क्यों कोई नहीं सुझाता है? मैं तुम्हारे साथ हीरो बनने के लिए तैयार था मैं। खामोश, चपड़ घोंचू। मेरे चपड़ गंजू और घोंचू दोनों गाली देने का दिल करता, मैंने मिक्स कर दिया। तेरे साथ कोई चुगली ना करे, तेरे साथ फिल्म करेगा। ये है साइनिंग अमाउंट। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ए, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ओए, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। यारा ओ यारा, ऐसा हमारा लेके तो मैं जाऊंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनमहट। ये शाहरुख का गाना है। हाँ तो रोमांस में शाहरुख का कोई जवाब नहीं, और एक्टिंग में मेरा कोई सवाल नहीं। Hey, अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाओ यो नहीं सकता। अरे बार बार। और तुम मुझे भूल जाओ ये, मैं और नहीं दूंगा। एक सेकेंड, आप है कौन? एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, शाम आए तो उसको कहना सुबह आए, और छेनू आए तो बताना ही मत कौन आया था। रुक जाओ, ये पैसे मेरे हैं, इसने मुझसे 10,000 रुपए 2 घंटे के लिए रेंट पर लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चपड़ घंजी हमसे धोखा करती है। आज तक तो न्यूज रूम से हमारी ही खबरें आ रही थी, आज न्यूज रूम से एक खूबसूरत रिपोर्टर जो है वो यहां आ रही हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा, द वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा। थैंक यू। चलिए आइए बैठिए, सोनाक्षी का जोरदार तालियों से स्वागत एक बार।
इसमें वैसे मैं किसी को नहीं पीट रही हूँ, बट मैं खूब पिटी हूँ, यहाँ वहाँ गिरना पड़ रहा था हर शॉट। हाँ, काफी मैंने देखा, कभी आप खड़े खड़े गिर जाती हैं, कभी बैठे बैठे गिर जाती हैं, कभी ट्रेडमिल पे दौड़ रही हैं, इधर देख रही हैं, वहाँ पे गिर जाती हूँ। आपको स्टोरी सुनाई गई थी कि आपको बताया गया था कि कैसे कैसे गिरना है, कितने तरीके बताए गए आपको? नहीं, वो जानते थे मैं काफी गिरी हुई इंसान हूँ, तो वो आ गए मेरे पास लेकर, गिरे हुए को और क्या गिराना, एक्सपर्ट हूँ मैं। पर आप किस तरह की जर्नलिस्ट बनी है सोनाक्षी, इसमें आप क्राइम रिपोर्टर बनी है या क्या कोई? मैं एक ऐसी जर्नलिस्ट बनी हूँ जो वो काम कर रही है, जो वो स्टोरीज कवर कर रही है जो वो बिल्कुल नहीं कवर करना चाहती है, पर उसका बॉस कभी उसे ये स्टोरीज कवर करने नहीं भेजता है, वो उसे सनी लियोनी का इंटरव्यू लेने भेज देता है। फिर भेज देता है कोई एक आदमी जिसने मन्नत ले रखी है कि वो एक साल तक हाथ पे चलेगा, उसका इंटरव्यू लेने भेज दिया। तो ऐसी मतलब अतरंगी चीजों के इंटरव्यू लेने भेज देता है, और वो मतलब त्रास, एकदम त्रास हो गया उसको अपनी लाइफ से, तो शी हेट्स हर जॉब। एक्चुअली आजकल हो भी ऐसा गया, न्यूज में इतना कॉम्पिटिशन हो गया, इतने सारे न्यूज चैनल हो गए कि टैलेंटेड तो होती हैं न्यूज एंकर जो हैं, खूबसूरत भी होती हैं, इसी चक्कर में जितने भी रिटायर लोग हैं ना, सारा दिन न्यूज देखते रहते हैं, कई बार तो एक न्यूज तीन तीन बार देख जाते हैं। पर हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एक सच्चा जर्नलिस्ट होना जो है बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एक पत्रकार ही ऐसी शख्सियत है जो हमारे समाज का आईना वो क्लियर करके हमें दिखाते हैं। सो आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। सोनाक्षी, इस फिल्म में एक डायलॉग है कि इस साल मैं सीधी सावित्री से टेढ़ी सावित्री बनूंगी। सीधी सावित्री और टेढ़ी, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीधी सावित्री एंड टेढ़ी सावित्री? मैं टेढ़े आप। ये जो बालियां ओलंपिक्स ने आपको दी हैं, मतलब बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये वैसे मैंने पहन लिया ताकि आप उस पर जोक मार सकें। इस फिल्म में सोनाक्षी अपना वेट भी चेक कर रही हैं। आपको लगता है कि लड़कियां अपने वेट को लेके कॉन्शियस रहती हैं? ऐसा होता है? जी, लड़कियां क्या, आजकल तो लड़के भी कॉन्शियस रहते हैं। आपको क्या लगता है, जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, आपको इस मुद्दे पे कुछ कहना है? जी मैम। ऑब्वियसली रहती है, वी कांट बी प्रेजेंटेबल एवरीवेयर ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कपड़े पहनने में, कहीं जाने में। अच्छा जी। और हस्बैंड को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसे हस्बैंड को तो छोड़ दो। ये लो एक और आया बॉस, ऐसे हस्बैंड को छोड़ दो। हस्बैंड खुद भले अक्षय कुमार नहीं हो, लेकिन बीवी तो सोनाक्षी जैसी ही चाहिए। हमेशा फिट रहना चाहिए उनको, भले खुद पेट निकला हो, कुछ हो, कैसे भी जा रहे हो, लेकिन वाइफ को स्मार्ट चाहिए। ये तो ये डबल स्टैंडर्ड। तो आज आए नहीं पति आपके नहीं, साथ? नहीं नहीं आई, इसलिए तो तभी खुल के बुराइयां कर रहे हैं आप ना। लेकिन नहीं आई, इसलिए खुल के बोल रही हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो तो काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं उनका काम भी कुछ आदमियों से ज्यादा ही होता है, कि आप घर संभालना, पूरा पति को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, आपको सल्यूट है, आप बहुत प्यारी हैं। और अरे क्या बात है, शुक्रिया मैम शो में आने के लिए, आप बहुत क्यूट हैं तीनों। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो। मेरा इतना ही कहना है कि अगर हम खुश हैं, हम जैसे भी हैं, तो कोई चीज मैटर नहीं करती, आप हेल्दी हो या फिर पतले हो। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी फीलिंग्स और आपकी खुशी उस चीज में है, तो आप उसी में खुश रहिए। बहुत अच्छी बात कहते हैं आप। थैंक यू। हस्बैंड नहीं आए आपके साथ में? नहीं आए। वो कहाँ गए? वो घर पे हैं। आज आप सब अपने हस्बैंड को घर छोड़ के आएंगे? तो वो घर पे क्या कर रहे, उनको भी ले आते? उनको IPL मैच देखनी थी। देख लेना, मैच देख ही रहे ना, मैच खेलते नहीं रहे। बड़ी अच्छी बात कही एक्चुअली। आपकी अंदरूनी खुशी किस में है? Yes. आप खुश हैं तो भाड़ में गई दुनिया। बिल्कुल सही बात है सर, वही होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। और मेरे कोई दोस्त अलग तरह की टिप्पणी? जी पाजी। पाजी मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो थोड़ी सी हैवी है। हैवी है? मोटी नहीं बोल सकता ना अब। अच्छा जी। तो सर उसने जिम मतलब ज्वाइन कर रखा है, एक साल की मतलब पैसे भर रखे हैं, लेकिन जाती नहीं है वो। उनको खाने पीने का शौक है? हाँ जी, खाने पीने का बहुत शौक है, मतलब सारा। पर आप प्यार करते हैं ना उनसे? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको वैसे अभी घर जाके ना बड़े पिटने वाले हो तुम। I must tell you. सर मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे,
और वो जैसी भी है मतलब ठीक है। अब थोड़ा कम पिटोगे। आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं भाई साहब? सर मैं गुरदासपुर से और मैं सिंगर हूँ। अच्छा तो सुना दो यार कुछ ऐसे ही। आइए सोनाक्षी, कोई और मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष बातचीत करना चाहते हो? जी भाई साहब। मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जहाँ तक ये देखा है कि हर इंसान खूबसूरती के पीछे मरता है, लेकिन खूबसूरती हर चीज नहीं होती, सीरत भी कुछ चीज होती है। क्या बात है सर। हाँ जी, आपकी सीरत आई है साथ में? हाँ जी, हाँ जी। जो, अच्छा साथ में ही है? हाँ जी। तभी अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप। पर आपकी बीवी बहुत प्यारी है। हाँ जी, इसलिए मेरे को भगवान ने अपना प्यारी चीज दे दी है जी। तो स्वीट। तो आपकी लव मैरिज हुई रेंज मैरिज? नहीं जी, रेंज मैरिज। आप कितने साल हुए आपकी शादी को? 30 साल। 30 साल पहले नहीं होती थी ना लव मैरिज? नहीं जी नहीं, प्यार तो सारी जिंदगी चलता है जी। ये आए, आए, आए। प्यार एक्चुअली होते थे जैसे हमारी फिल्म है फिरंगी, तो ये 1920 में बेस्ड है, तो उसमें भी तो रोमांटिक स्टोरी है। सॉरी थोड़ा प्लग इन कर लिया। नो प्रॉब्लम। नूर के साथ हम भी तो प्लग इन करने आए हैं, आप भी कर लो। प्यार पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है ना जी। आपने क्या किया सर? जो ये कहते वही करते हैं। ये मतलब अंकल आप सबसे सुलझे हुए हो यहाँ पर, हैप्पी वाइफ यानी हैप्पी लाइफ। सुलझे हुए के सरेंडर किए हुए कह रहे हैं कि वो ये कहती है मैं करता हूँ। सो स्वीट, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मिलके बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। अरे भाई आ रहा है। अरे रुक जाइए। अम्मा चिल्लाए कह रही हैं क्या? क्या बहू लाई है, बहू लाई है, पीछे पड़ गई है। अरे लाएंगे बहू, आप एक बार सोचे तो सही कि इतना हैंडसम और डूड टाइप का बच्चा पैदा कर दिया है आप। अब इस बच्चे के लिए तो कोई हूर वूर टाइप की मिलेगी तो ही चलेगा ना। अब ढूंढ रहे हैं। नूर अम्मा जरा फोन काटिए, लगता है कोई मिल गया है। यकीन नहीं हो रहा है, हम साक्षात आपको। अरे बाप रे, यकीन दिला दे। दिला दीजिए, कैसा पिंच। अरे बाप रे, तो काफी जोर से यकीन दिला दिया आपने, लेकिन सच में आपको अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको 4-5 साल ऊपर वाले ने छुट्टी लेकर आपको बनाया होगा। 4-5 साल। थैंक यू, थैंक यू। अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। मैं बैठती हूँ। हाँ। अब आपको देखने के बाद कोई भी कील हमें फील नहीं होने वाला, रहने दीजिए। चलिए कपू शर्मा, जरा सिन्हा मैडम से हमारा एक इंट्रोडक्शन करवाइए ना। ये बच्चा यादव है और ये इनकी गर्लफ्रेंड है। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। क्या कुछ भी, ये तो गंदी बात कर दिए। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी गंदी। देखिए ये आप मजाक में कुछ भी कह जाते हैं, आपको पता है ना मीडिया वाले पकड़ लेते हैं, न्यूज बना देते हैं आपको तो। देखिए ये इंसान तो क्या इंट्रोडक्शन करेंगे हमारा, हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। सोनाक्षी जी, माई सेल्फ प्रसाद। ओए प्रसाद, कल तक तो बच्चा यादव थे, तो आज हमने अपना नाम बदल लिया है। किस खुशी में? इस खुशी में कि अब हम जब आपको प्रपोज करेंगे ना, तो हमने सुना है कि दुनिया में क्या, हमारे देश में कम से कम प्रसाद को कभी कोई ना नहीं कहता। इसलिए जैसे टेम्पररी चेंज ऑफ नेम टू प्रसाद। अच्छा क्या हो, क्या गया तुझे? अब क्या बताएं, वही हुआ है जो सिरी को फराद से हुआ था, लैला को मजनू से हुआ था, रोमियो को जूलियट से हुआ था, राज को सिमरन से हुआ था, और चुलबुल पांडे को रज्जो से हुआ। बच्चा ये बात शत्रु सर को पता चल गई ना, तो तुम्हारा वही होगा जो ओसामा का ओबामा के हाथों हुआ था। आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। कीजिए। अर्ज किया है कहाँ पे?
यहीं पे करेंगे, आप कहीं चंद्रमा पे जाके तो करने से रहे। कीजिए कीजिए इंशाल्लाह। अर्ज किया है, इश्क में हर आशिक को मरना पड़ता है। वाह वाह वाह। इश्क में हर आशिक को मरना पड़ता है, सच्ची मोहब्बत को जमाने से लड़ना पड़ता है। हर घर में टॉयलेट हो ये जरूरी नहीं है, इमरजेंसी में खुले में जाके भी करना पड़ता है। अच्छा, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और कितनी गंदी बात तुमने की। स्वच्छ भारत अभियान के चलते इसकी भी सफाई हो जाएगी यार, ठीक है। मैं क्या है, वैसे आपको बताएं सोनाक्षी जी, अपना ये यूपी में जैसे अपना सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ ना, वैसे ही अगर आपका और हमारा गठबंधन हो जाए, फिर आप देख के क्या विकास होगा, क्या प्रकाश होगा, कैलाश होगा, राजेश होगा, रमेश होगा, बहुत कुछ होगा। अच्छा हाँ जी, तो इनको देख और अपना मुंह देख। नहीं नहीं, अपना मुंह हम नहीं देख सकते। हम भी नहीं देख सकते, वो तो बात है। लेकिन सच में ये प्रॉब्लम है हमारे खानदान में। जैसे वो होता है ना कि भाई औरत कैसे अपने पति का नाम नहीं ले सकते। हाँ। हमारे परिवार में ये प्रथा है कि आदमी कभी अपना चेहरा नहीं देखते, देख के घबराहट सी हो जाती है। एक बार हमारे दादाजी ने गलती से अपना चेहरा देख लिया था, ऐसे घबराए वो, कभी शादी नहीं किए, कुंवारे रहे जिंदगी भर। दादाजी कुंवारे, तुम कैसे पैदा हुए? कैसे पैदा हुए? तो हम तो पिताजी से हुए ना। एक मिनट, तो पिताजी कैसे पैदा हुए? सब सवालों के जवाब हम क्यों देंगे? आप कपिल शर्मा है, रजत शर्मा है, सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं। भाई हमको होना था, हम हो गए। हमने ये भी नहीं पूछा पिताजी से हो रहे हैं माताजी से हो रहे हैं, हो गए बस। हमको होना था, हो गए। बच्चा तुझे चाहिए क्या? हमें लालू प्रसाद यादव की पप्पी चाहिए, दिलाएंगे। कुछ भी दिलाने की कैपेबिलिटी तो आपकी जीरो है। बच्चा तुमने जोक नहीं सुनाया आज कोई? अरे बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा सुना देंगे तो। मतलब बहुत ज्यादा एक कॉमेडी का माहौल बन जाएगा ऐसा। तो हम और क्यों आए हैं यहाँ पर? सुना दें प्लीज। चलो रहने दो, नहीं दिल करता। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं है। सुना दो सुना दो। क्या आप इतना जोर दे रहे हैं तो एक जोक सुना देते हैं। तो सुनिए जोक है। थोड़ा सा फनी वाला है। एक बार एक आदमी होता है, वो नॉर्मली होते ही है ऐसे कोई है। तो ये जो आदमी है इसके सर पे सिर्फ दो बाल होते हैं, सिर्फ दो बाल है? अब ये दोनों बाल सिर्फ अकेले से यू नो मायूस से घूम रहे हैं एक आदमी के सर पे, बोर होते हैं जिंदगी में, एक दूसरे का ही सहारा है एक दूसरे को है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि हमारे देश में बाल विवाह अलाउड ही नहीं है। हमारे देश में बाल विवाह। अरे अरे आराम से। अरे 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 आराम से आराम से। हम बोले थे चॉक्स मत बुलवाइए हमसे। बहुत ज्यादा माहौल बन जाता है। सही बोले। बताइए मजा आया ना? बहुत ज्यादा। वैसे ये जोक जब बाल विवाह अलाउड थे ना, ये जोक उससे भी पुराना है। भाई जोक्स वही होते हैं, प्रेजेंटेशन एक बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डांस नहीं किया आज आपने आके? तो फिर अब मौका दे रहे हैं तो हो जाए। चौका मार दीजिए। चलिए चलिए अलविदा, चलते हैं, बहुत मजा आया। अपनी फिर आएंगे हम भैंस को लेकर। बहुत बहुत मजा आया। अब वक्त है फिल्म की एक और इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट जो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किरदार निभा रही हैं और जो सोनाक्षी की दोस्त का किरदार निभा रही हैं।
अच्छा आज आईपीएल में एक्स्ट्रा इनिंग्स कौन कर रहा है शिवानी? आप तो आई यहाँ है। पता नहीं। I'm not there, I'm here. ओए होए आज तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा मैं नीचे आया तो लाई हूं इसलिए तो लाई हूं दिस इज द डील ब्रो यू आर गोना स्पीक टू मी इन हिंदी एंड आई एम गोना स्पीक टू यू इन इंग्लिश व्हाट डू यू मीन बाय ब्रो जो मेरे साथ आता है वो ब्रो बना देता है सोनाक्षी आई मुझे भाई बोल गई ठीक है अभी शिवानी आई मैं कहा यो मास कूल गर्ल वो भी आते ब्रो मुझे नहीं लगा था कि इतनी इंग्लिश बोलने वाली लड़की और ऐसे ओ ब्रो आप ब्रो भी बोलती हैं ब्रो मुझे क्यों बुलाया इस शो पे मुझे हिंदी नहीं आती है सिखाने के लिए बुलाया ओके ओके माला मराठी येतो तुला मराठी येतो का इंग्लिश बोलते मी मराठी बोलते मी आणि तू हिंदी बोलतोस आता काय करणार आता मुंबई मध्ये राहून तुला अजून मराठी येत नाही इसी शिवानी डांडेकर और शिवानी दंड देकर जाएगी मेरे आई मीन मैंने पंजाबी आंदी तनु आंदी है किदा की हाल है इज ऑल राइट या ओके बालियां इन्होंने भी बड़ी अच्छी पहनी है हां ये दिस या ओके हमारे यहां पे एक लड़की रहती है सरला उसको गोल चपाती नहीं बनानी आती है बालियां अगर आप उनको दे जाए ना तो पेड़ा रख के फटक करके पूरा गोल पर बड़ी बड़ी बहुत प्यारी लग रही है आप सबके बालियां के पीछे क्यों पड़े हो अरे खूबसूरत लग रही बालियां अभी तुम तो मुझे भैया बोलते हो मैं किसी लड़की को ऐसा कुछ बोल भी रहा हूं तो व्हाई आर यू जेलस आई एम नॉट जेलस प्लीज बाय नो मींस अब इंग्लिश हिंदी समझ रही है अभी शिवानी यू अंडरस्टैंड हिंदी लिटिल बिट राइट इवन आई कैन स्पीक इंग्लिश कपिल आई लव इट गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज शिवानी आप गाती भी बहुत अच्छा है माइक दे दो सीधा सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी इंतहा इंतजार की आए ना कुछ खबर मेरे यार की ये ये गाना इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं पर आज आपने सुनाया तो ऐसे लगा अभी अभी ये बना है और उतना ही खूबसूरत लगा और कितना आपने मजा आ गया थैंक यू बड़ा एक अलग ही स्टाइल है शिवानी कमाल का गाया आपने बहुत खूब ये तो आपको पता चल गया कि शिवानी जो है महाराष्ट्रीयन है शिवानी ये बात सही है कि आप लावणी बहुत अच्छा करती हैं यहाँ पे एक मुद्दा चल रहा था आप लोगों के आने से पहले कि क्या करियर ज्यादा जरूरी है कि लव ज्यादा जरूरी है तो सब अपने अपनी विशेष टिप्पणी रखना चाहते थे तो वो कौन मेरे दोस्त भाई बंधु हैं जो इस मुद्दे पे बात करना चाहते थे कि जी मैम मेरा व्यू ये है कि पहले करियर होना चाहिए अगर आप करियर नहीं बनाते तो कपिल सर की तरह आप इतनी ब्यूटीफुल हीरोइंस के साथ रोमांस नहीं कर सकते अच्छी बात है आपकी भी क्योंकि सबसे पहले जो लड़की मुझे छोड़ गई थी इसलिए छोड़ गई थी मैं काम नहीं करता था बाद में काम में इतना ध्यान लग गया कि बाद में कोई और मिला ही नहीं अब तो मिल गया कोई मिल गया चलिए तो मेरा दिल गया तो मैडम का ये कहना है कि करियर जो है वो ज्यादा जरूरी है और मेरे कोई दोस्त जो इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहिए जी भाई साहब मेरा नाम मोहित कुमार है मैं चंडीगढ़ से हूँ मोहित कुमार एक्चुअली मैं उनसे इंस्पायर हूँ नमाज जरूरी है करियर और लाइफ थड़ी है होते रह रही मतलब नमाज जरूरी है पहले तो यही बात अगर मैं ये बोलूँगी रोमांस भी होता रहेगा करियर जरूरी है अगर करियर नहीं होगा तो रोमांस किधर होगा सड़क पर चलेगा घर तो खरीदेंगे ना अब अगर आप शादी करेंगे तो ठीक है नुमाइश तो 80 बार मिलता है फिर उससे शादी होने के बाद तो आप तो पता ही होता है मेरे को क्या पता मैंने कौन सा करके आपके क्या विचार है विशेष टिप्पणी एक्चुअली हम दोनों बहुत लकी है क्योंकि हमारे लिए करियर इक्वल्स लव वी बोथ लव व्हाट वी डू यस वेरी नाइस आंसर एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर शुक्रिया
अच्छा एक एक पाजी आप आइए, आपने बड़ा गाना खूबसूरत सुनाया था हमें, आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा गिफ्ट है और आपने इतना अच्छा गाना गाया, शिवानी भी बहुत अच्छा गाती हैं, सारे ही हम गाने के बड़े शौकीन हैं, तो शिवानी ये फोन खूबसूरत शुक्रिया। I'm very good. This is Shivani. Hi, Shivani. Hello. Myself, Dr. Salla Gulati. Anji? Dr. Gulati. When did you become a doctor? A child is a child. A horse is a horse. So, a child is a child, right? Sit down, Anakshi, sit down. Come on, Salla. I'm going to talk about the numbers. So, when is our book of March ending? When will our book of March ending? You know that we don't have a chiller. You said this line, right? Sonakshi. But you know, Sonakshi, like in your film, there's nothing in Noor. Like in my life, there's nothing in my life. Every girl's story is the same. I'm telling you, if you go to Noor, everyone will say, okay, this is what I am. I am also like this. I am also like this. It's so relatable. Why are you not doing this? In one episode, you are coming two times. Now you are starting to happen. She says something. Go, now my head is hurting. I'm talking to Sonakshi. No, it's okay. I know. It's okay, it's hurting. I'm going to check it. Come, sit, sit. Come, sit. I'm a doctor, come on, sit. How will you check it? You sit right, sit calmly. I will check you. I'll check you properly. देख लो पहले हार्टबीट यहाँ अति चेक देखो कहाँ कर रही है ये चेस्ट हो रहा है हार्टबीट मैंने बोला मैं हार्टबीट चेक कर रही हूँ हाँ सांस लो डीप प्लीज ले ही रहा हूँ इतने सालों से और ऐसे थोड़ी जिंदा हूँ मैं देखो कपूर शर्मा तुम्हें बीवी की प्रॉब्लम है बीपी की नहीं मुझे बीवी की प्रॉब्लम मुझे बीवी नहीं मिल रही है तुम देखो मैं तुम्हें दवाई लिख के देती हूँ तुम ठीक हो जाओगे क्या क्या बोल रही हो No, I mean, what's your problem? You don't want to become your wife's doctor? Now, Shivani and Sonakshi are acting as a doctor. Say it, say it. If you want to die, say it. Because every day I went with someone else, you'll be crying. You'll be crying. You'll be crying. You'll be crying. This is just a little bit. Say anything, girl is working. Yes, very good. Today, you didn't say that I'm a huge fan. अरे but वो तो सोनाक्षी को पता है I am a huge fan of her she knows that बच्चों के सामने मत कहना huge डर जाते बच्चे huge जब कहती ना मुंह ऐसा बना दी ना I'm a huge fan क्या है अरे hello 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 how are you I'm good I'm Dr. Bumper yes Bumper जी I'm Dr. Bumper रहती हूँ अपने दम पर तू भी डॉक्टर बन गई हाँ मैं बन गई क्या लेंगी आप टेस्ट या ग्लूकोज व्हाट वुड यू लाइक कुछ नहीं मैम थैंक यू वेरी मच तू भी डॉक्टर बन गई तेरे लेवल की बात करता हूँ एक ये चेक कर जरा इसमें गाने क्यों नहीं आ रहे माना पड़ेगा कपूर शर्मा आपको डॉक्टर की नहीं जरा सी भी जानकारी नहीं है इसमें गाने नहीं आते हैं दरअसल ये जो चीज है ये क्या होता है कि हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो जोर जोर से चिल्लाते हैं मे बी आउट ऑफ पेन तो उनकी आवाज हमें डिस्टर्ब ना करे इसे हमें इसे कान पे लगाना पड़ता है ओ वैसे बम्पर ये इससे पेशेंट्स को चेक करते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं पेशेंट को चेक क्यों करेंगे अरे वो तो कोई बीमारी लेके आएंगे कोई बॉम्ब बॉम्ब थोड़ी ना लेकर आए कि हम चेक करेंगे उनको चेक क्यों करेंगे सच में इसके ऊपर ना पांच हाफ मर्डर के केस भी चल रहे हैं हाफ मर्डर कैसे मतलब नहीं नहीं पेशेंट तो पूरी तरह मर्डर तो कर दिया था इसने लेकिन ये खुद हाफ है ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ नहीं थैंक यू
सोनाक्षी, थैंक यू सो मच। क्या था ये? इसीलिए ना पेशेंट जब इसके पास आते हैं बचाओ बचाओ करते हैं, और जब इसको देख के जाते हैं तभी बचाओ 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 करके ही भाग जाते हैं। वाह, ये तुम बैठे बैठे बोल देती है गरज। तो इतने रिस्पॉन्स मिलना था ना, ये जो तूने इनेक्टमेंट किया बचाओ बचाओ करके, ऐसे कौन भागता है? बैठे बैठे थक गई थी इसलिए खड़ी हो गई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? और इसके पास जब पेशेंट आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आते कहते हैं वो मुझे सर दर्द हो रहा है जरा दवाई दे दीजिए, कहती है नहीं नहीं दवाई ज्यादा मत खाया करो तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारे पास तेल है? तेल लेती है पेशेंट से और ये करके उनकी चंपी करती है और उनसे 500 रुपए ले लेती है। ऐसा करती है ये, मतलब अच्छी बिजनेस वुमन भी है। बिजनेस ही प्रॉफिट ऐसे बनता है ना। आई नो, कुछ सीखो सोनाक्षी से। नहीं नहीं, मैं इनसे नहीं सीख सकती, इनका काम करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। नॉर्मली लोग हॉलीडे पे जाते हैं तो ऐसे इंजॉय करते हैं ना, मैंने इनकी हॉलीडे देखी उसमें भी काम कर रही थी। देखा, मैंने हॉलीडे देखी थी। और वैसे भी इनको छुट्टी करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती, क्योंकि फोर्स ये पहले से जॉन अब्राहम के साथ कर चुकी है। वैसे डॉक्टरी करके मैं यहाँ पर किसी का इलाज करूँ ना करूँ, लेकिन मैं किसी के दिल का इलाज जरूर करना चाहती हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, दिल का इलाज करने में जो मजा है ना, ये पेशेंट किसी का भी, लेकिन उसके लिए ना मुझे थोड़ा ऐसा ऐसे डांस वांस ये वो लोगों को ऐसे रिझाना आना चाहिए, और वो अगर आप मुझे थोड़ा सा सिखा देंगी ना। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, सब करेंगे मूवी वाला। तो थैंक यू सो मच सोनाक्षी, थैंक यू सो मच शिवानी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नूर। आप सब लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।